हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में मोबाइल टेक्निकल स्टार। गाइस, सभी लोग जानता है कि मेरा चैनल कितना प्यार मिलता है, मेरा कितना सपोर्ट मिलता है, इसलिए मैं भी आप लोगों से धन्यवाद कह रहा हूँ और एक बार करता हूँ धन्यवाद। क्यों फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर ही बता रहा हूँ। अभी आप बस जैसे मैंने ऊपर में स्लाइड किया, आप देख सकते हो न्यू सब्सक्राइबर क्रिकेट गान सब्सक्राइब टू योर चैनल। मैं उन भाई से तो बहुत थैंक यू करना चाहता हूँ, और पहले मुझे और भी 30 सब्सक्राइबर थे, फिर 5 सब्सक्राइबर और बढ़ गए। उन लोगों को भी मैं थैंक यू कर रहा हूँ, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को इतना सपोर्ट दिया उन लोगों को भी मैं थैंक यू कह देता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल टेक्निकल स्टार यूट्यूब चैनल सर्च किया, यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल टेक्निकल स्टार, ये पेटीएम वाला लोगो है, और यहाँ पर 35 सब्सक्राइबर हो गए। मैं बहुत ही खुश हूँ इस बात की। तो अगर इनमें से जो कोई भी और भी लेफ्ट हो कि मोबाइल टेक्निकल स्टार जो एक न्यू यूट्यूब चैनल है, और देखो यहाँ पर पहले एक मतलब कि एक, तो आप देख सकते हो वीडियो अगर अच्छी आज की अच्छी लगेगा तो लाइक कर दो, और डिसलाइक करो वो आपकी मर्जी, इच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोग भी एक बार डिसलाइक किए थे फिर लाइक किए थे बहुत सारे लोग। ओके, तो मैं उनसे कुछ भी नहीं कहा। तो यहाँ पर देखो मोबाइल टेक्निकल स्टार का जो लोगो है ना, ये सब्सक्राइब कर दो, और फिर नीचे जाकर एक अच्छा सा कमेंट लिख दो। देखो कितनी सारी भाई ने मुझे कमेंट किया और मैंने भी रिप्लाई किया। तो यहाँ पर देखो मैंने थैंक्स भाई कहकर, देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया थैंक्स भाई फॉर कमेंट, आई विल रिप्लाई ऑन कमेंट, थैंक यू वेरी मच गुजरात टिकर। तो ये भी मेरा एक न्यू सब्सक्राइबर है, उनसे मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ। फिर होता है डीट सिंह, गुड यू आर डूइंग ग्रेट वर्क। तो इन भाई को भी मैं अच्छा कहना चाहूँगा, क्योंकि वो आप लोगों इतना प्यार करते हो मेरे चैनल को, इसलिए मैंने आप लोगों को थैंक यू उसके तौर पर दिया। अभी तो गाइस बहुत सारे सब्सक्राइबर होने के बाद मैंने कहा था एक गिव अवे करूँगा, तो चलिए देखते हैं कितना समय लगता है। अगर आप लोग ऐसे प्यार दोगे ना तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ता चला जाएगा और मैं विनर अनाउंस कर दूंगा। सो गाइस, आज की जो वीडियो होने वाली है वो पूरा का कमाल धमाल झमाल वीडियो होने वाली है, लेकिन कोई पेटीएम एप्लीकेशन के गिव अवे नहीं, कोई भी कुछ भी मैं कुछ भी नहीं करूँगा। मैं आप लोगों से प्ले स्टोर से एक ऐप डाउनलोड करने को बोलूँगा, जिस ऐप की माध्यम से आप स्कैन कर सकते हो, बहुत सारे लोग ही जानते हैं। तो अगर जिन लोगों के पास ये ऐप नहीं है तो ये डाउनलोड कर रखो, क्योंकि अच्छा होगा। पहली बार ये है कि जेंडर ऐप, इससे आप अपने फाइल को दोस्तों को ट्रांसफ़र कर सकते हो, किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। ये जेंडर ऐप करना ना भूलें, मैं जेंडर ऐप का ऐप लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर नहीं दिया तो आप सीधा सीधा ऐसे प्ले स्टोर में जाओ, ओके, क्योंकि मैं बहुत बार भूल भी जाता हूँ, वीडियो में कह देता हूँ फिर भूल जाता हूँ, तो इसलिए आप पहले आ जाना प्ले स्टोर में, फिर यहाँ से सर्च करना जेंडर, ओके, जेंडर मतलब GXXENDER। जैसे आप एक्स जेंडर आप डाउनलोड करोगे, जेंडर सिर्फ यही टच करना है, और ये देखो जेंडर आ गया, अपडेट कर रखना है, ओके। मेरा भी स्पेस थोड़ा सा बचा नहीं है तो मैं अपडेट नहीं कर सकता, जब स्पेस मेरा बच जाएगा तो मैं फिर से एक बार डाउनलोड कर लूँगा, क्योंकि 16 GB है, उससे ही 15 GB मैंने यूज़ कर लिया। तो सो गाइस, ये तो एक ऐप है, और ऐप है कैसे आप बारकोड स्कैन कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, QR लिखना है, फिर कोड स्कैनर की, और भी QR बारकोड, QR बारकोड। जैसे आप QR बारकोड सर्च करते हो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस चलाएगा, और ये जो ऐप है ना, ये ऐप बहुत ही अच्छा ऐप है, कमाल धमाल झमाल ऐप, ओके। आप इसको डाउन चाहो तो डाउनलोड कर सकते हो, और भी कई तरह के ऐप्स हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ क्या लिखना होगा दोस्तों। मज़ा कर रहा था। तो QR कोड स्कैनर, QR कोड स्कैनर सर्च करना है, और देखो कितनी हज़ारों तरीके से ऐप हमारे यहाँ पर चल रहा है,
तो कोई बात नहीं, आप जो कोई भी एक इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर मुझे जनवा सकते हो, मतलब कि बोल सकते हो कि भाई मैंने ये करा कि लेकिन नहीं हो रहा, तो मैं आपका समस्या का समाधान करने के लिए कोशिश करूँगा। सो गाइस, ये तो मेरा पहला टेक्निक था। नेक्स्ट टेक्निक आता है एप्लीकेशन की ओर से, मतलब कि अभी तो गाइस आप जानते हो माई जियो पे ऑफर आ रहा है। सो गाइस, जैसे ही मैंने माई जियो एप्लीकेशन को ओपन किया, रिचार्ज की सेक्शन में क्लिक किया, तो कुछ ऐसा इंटरफेस मिल गया मुझे। अभी मैं जाता हूँ 4G डेटा वाउचर। जैसे ही मैंने मेरा 4G डेटा वाउचर खोल लिया, यहाँ पर देखो 11 रुपीज़ में हमें 400 MB नेट मिल रहा था, अभी देखो कितना बढ़वा दिया, 800 MB कर दिया, प्लस 75 फॉर नॉन जियो कॉल, जियो टू नॉन जियो। ओके, तो इनका भी हमें बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। ओके, और एक है वर्क फ्रॉम होम पैक, जो पहले था क्रिकेट डाटा पैक, अभी क्रिकेट डाटा पैक नहीं है, अभी होम पैक कह रहा है। सो गाइस, मैंने जो आपको इंटरनल स्टोरेज की बात की, ये देखो योर यू आर डेंजरसली लो ऑन स्पेस, तो स्पेस आपको डिलीट करना होगा, कुछ मुझे डिलीट करना होगा, आपको नहीं। अगर आपके मोबाइल पर ये शो कर रहा है तो आपको कुछ फंक्शन तो डिलीट करने ही होंगे, ऐप्स, जैसे कि ऐप्स, फिर वीडियोस। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 251 का एक रिचार्ज है, और यहाँ से क्या हो रहा है, मतलब कि इस पैक से सिर्फ आपको अनलिमिटेड नेट मिलेगा 2GB का, तो ये बहुत न्यू खबर है। और फिर हमको मिलता है ISD रोमिंग, तो आप जानते ही होंगे। गाइस, बहुत सारे लोग मुझे बता रहे थे कमेंट, मतलब कि व्हाट्सएप पर मुझे बोल रहे थे, भाई ये जो ISD का जो सिंबल है, ISD क्या है? ISD एक ऐसा पैक है गाइस, ISD से आप इंडिया पर कॉल नहीं कर सकते। अगर आप इंडिया में रहते हो तो इंडिया पर कॉल नहीं जाएगा, बट आप जो कोई भी अदर्स देशों में, जैसे कि अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, फिर यही तरह के, जैसे कि चाइना, अरे चाइना की बात भूल जाओ, क्योंकि वो जो हमने हमको किया ना, कोरोना वायरस के बहुत लॉकडाउन चल रहा है इस समय उस चाइना की वजह से। ओके, तो मैं उनकी बात नहीं करूँगा। तो ऑस्ट्रेलिया, जैसे ही आप काइंडली विजिट कर सकते हो, आपको 5 SMS बिना मूल्य, मतलब कि 5 SMS फ्री मिल जाता है, प्लस 551 आपको ISD टॉक टाइम मिल जाता है, फुल टॉक टाइम, प्लस आप 28 डेज के लिए वैलिडिटी सब्सक्रिप्शन है काइंडली, तो आप रिचार्ज कर सकते हो इस पैक से। तो याद रहे गाइस, आप वेस्ट बंगाल की कोई भी सिम में रिचार्ज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर पैक्स दिया है, जैसे कि स्मार्टफोन रिचार्ज प्लान। गाइस, अगले ऑफर आता है कि जियो टॉप अप बैलेंस। जैसे कि मैं कह रहा हूँ आप लोगों को कि बहुत सारे लोग मुझे कह रहा था, भाई हमारा जो मेन जियो का बैलेंस है, उस जियो का बैलेंस से हम कैसे अपने मोबाइल में इस टॉप अप बैलेंस से कैसे रिचार्ज कर पाएंगे। तो उसके लिए कुछ भी नहीं करना, फिर रिचार्ज में सेक्शन में क्लिक करना है। एक बात आपको कह देता हूँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं भाई मैं अप्लाई नहीं कर पा रहा, प्लीज़ हेल्प करो। तो याद रहे, आप ये जो 2221 वाला प्लान है इस, सो गाइस आप देख सकते हो, ये देखो 2121 और 555 और फिर आता है 399 का 199। ये जो प्लान्स है आप रिचार्ज नहीं कर सकते काइंडली, ओके, क्योंकि आप टॉप अप मेन बैलेंस से रिचार्ज नहीं कर सकते, मतलब कि जो प्लान्स, पॉपुलर प्लान्स आप यूज़ नहीं कर सकते टॉप अप बैलेंस से। 4G डेटा वाउचर कर सकते हो मुझे लगता है, क्योंकि मेरे पास अभी बैलेंस इतना नहीं है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। जैसे पॉपुलर प्लान में क्लिक किया, बाई में क्लिक किया, मैं इसका और एक वीडियो बना दूंगा, ओके, तो आपको कोई काइंडली कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो ये रिडायरेक्टिंग टू पेमेंट गेटवे, देखो गाइस यहाँ पर माई जियो UPI कोड देख रहा है, मगर आप मेरा UPI कोड यूज़ मत करना, ओके, तो सीधा सा मैंने हाइड कर दिया। सो गाइस, यहाँ पर आप लोगों को पेमेंट सेफ ऑप्शन में यूज़ योर अकाउंट बैलेंस का एक ऑप्शन मिलता है, फिर वहाँ से आप अपने टॉप अप बैलेंस से कर सकते हो। सो गाइस, काइंडली आपको क्या करना होगा, आपको अगर टॉप अप बैलेंस यूज करना चाहते हो रिचार्ज करने में, तो आप 4G डेटा वाउचर में रिचार्ज कर सकते हो, प्लस आप अगर होम पैक से
रिचार्ज करना चाहते हो तो ये या देखो यहाँ पर एक लास्ट में अदर्स का एक ऑप्शन आ रहा है, अदर्स का ऑप्शन में कर देना है क्लिक। गाइस वीडियो तो बहुत ही लंबा होती जा रही है, प्लीज़ स्किप मत करना। तो यहाँ पर देख सकते हो 399 का हमें प्लान मिलता है, 998 प्लस 10 टॉपअप वाउचर मिलता है, फिर 98 रुपीस हम लोग को पैक मिल जाता है। और यहाँ पर जितनी सारी पैक्स आप लोगों को मिल जाता है ना, ये इन सभी प्लानों पे आप टॉपअप अपने अपने टॉपअप बैलेंस से रिचार्ज कर सकते हो, तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा खबर है। तो गाइस इस ऑफर को अप्लाई कर सकते हो आप। लेकिन गाइस मुझे बहुत सारे वीडियो में मैंने देखा था यही आप लोगों से कह रहा है, लेकिन गाइस मुझे नहीं लगता इससे आपका प्रॉफिट होगा, इससे आपका लॉस ही होगा। क्योंकि अगर आप रिचार्ज करते हो तो अगर आप टॉपअप बैलेंस से रिचार्ज करते हो, एट फर्स्ट आपको तो टॉपअप सिलेक्ट करना होगा। आप पेटीएम यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड कर सकते हो, ओके। पहली बात याद रहे, टॉपअप से टॉपअप बैलेंस आप रिचार्ज नहीं कर सकते, ओके, एक चीज़ मान लो। और ये जो देखो, अगर आप 98 का ये जो होम पैक है 98 का, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली, क्योंकि मैं अच्छी से आप लोगों को बताऊँगा। सो गाइस ये जो आप प्लान देख ले हो 98 रुपीज़ का, ये आप अप्लाई कर सकते हो। मगर आप अगर रिचार्ज शॉप में जाते हो 98 रुपीज़ पे करना होता है, या फिर 100 रुपये आपको 2 रुपया रिटर्न करता है। प्लस अगर आप अपने बैंक अकाउंट से रिचार्ज करते हो तो 98 रुपीज़ कटा जाता है अपने अकाउंट से, ओके, डेबिट हो जाता है गाइस। मगर अगर आप 100 यहाँ पर टॉपअप बैलेंस से यूज करना चाहते हो, ये देखो 100 रुपीज़ का आपको टॉपअप लगाना होगा, फिर आपको 81.75 रुपया मिलेगा, फिर आपको 20 रुपीज़ टॉपअप करना होगा, ओके, तो आपको इससे मनी ऐड हो जाएगा, फिर आप वहाँ से रिचार्ज कर पाओगे। तो देखो कितना लॉस आपको, 120 रुपये आपका कट गए अकाउंट से, तो ये तो आपका लॉस ही होता है ना। तो इस वीडियो को अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, क्योंकि आप लोगों ये चीज़ आप लोगों नहीं जानते थे, लेकिन मैंने ये आप लोगों को जना दिया, जो कि कोई भी यूट्यूबर्स आप लोगों को नहीं जनाता। फिर बहुत सारे, मैंने नहीं करता हूँ यूट्यूब के बदनाम, लेकिन वो लोग ऐसे भी, उन लोगों को पहले ऐसा नहीं हुआ था, वो शायद भूल गए होंगे, ओके। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका दिल में कितना प्यार जुगा रहा है, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, सभी दोस्तों को कह देना सब्सक्राइब करने को। नमस्कार, धन्यवाद, और बी टेक केयर ऑफ योर फैमिली फ्रॉम कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से बचे रहे आपका, अपने फैमिली और आप। बाय बाय।